अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग अपने अपने घरों में बखैर आफियत होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जूसी सी रेसिपी लेकर आई हूँ अल्फ्रेडो पिज़्ज़ा पास्ता की, जिसको बच्चे और बड़े सभी बहुत पसंद करते हैं। तो चलें आज हम बनाते हैं पिज़्ज़ा पास्ता बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो चलें देखते हैं हमने इसको कैसे बनाना है। ये मैंने 4 to 5 टेबलस्पून बटर लिया है और उसमें मैं फ्राई कर रही हूँ 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक की रॉनेस रिमूव होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। अब इसमें जाएगी एक मीडियम साइज़ की चॉप्ड अनियन और इसको हम फ्राई करेंगे सौते होने तक। हमने इसको ब्राउन नहीं करना, जस्ट हमने इसको थोड़ा सॉफ्ट करना है। अब मैं इसमें 3 पाव के करीब बीफ कीमा ऐड कर रही हूँ। 4 से 5 मिनट के लिए हम इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। ये देखें जी, कीमे का कलर चेंज होना शुरू हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे टोमेटो प्यूरी, जो मैंने 2 बड़े साइज के टोमेटोस की बनाई है। अब हम इसको ऑयल के सेपरेट होने तक कुक करेंगे। ये देखें जी, ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे स्पाइसेस। सॉल्ट में इसमें बिल्कुल थोड़ा सा ही ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आगे इसमें सॉसेज ऐड करनी है, तो वो भी सॉल्टिश हैं और बटर भी सॉल्टिश था। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून जीरा जाएगा, 1/3 टीस्पून ऑरिगेनो पाउडर जाएगा, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाफ कप पानी इसमें ऐड कर रही हूँ मैं। थोड़ा सा इसको हिला लेते हैं। अब मैं इसको कवर करके मीडियम लो फ्लेम पे 6 से 7 मिनट के लिए पकाऊंगी। 7 मिनट्स हो चुके हैं, कीमा हमारा काफ़ी अच्छे से टेंडर हो चुका है, गल चुका है। अब हम इसमें ये वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। मैंने कुछ कैरेट्स ली हैं, 1 प्याज ली है और शिमला मिर्च ले ली है। आप अपनी चॉइस से कोई और भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके कंबाइन कर लेते हैं। वेजिटेबल्स को हमने ओवरकुक नहीं करना, बस इतना ही करना है कि इनका कच्चापन दूर हो जाए और इनका क्रंच भी बाकी रहे। 3 से 4 ग्रीन चिलीज चॉप की हुई ऐड कर रही हूँ मैं इसमें। अभी ये बिल्कुल ड्राई है, तो हम इसमें सॉसेज ऐड कर देते हैं। ये 2 टेबलस्पून सोया सॉस है, 2 टेबलस्पून हॉट सॉस है, चिली सॉस भी यूज़ की जा सकती है, 2 टेबलस्पून एप्पल साइडर या वाइट विनीगर, 2 टेबलस्पून ही ऑयस्टर सॉस जाएगी, 1/2 कप मैं इसमें ऐड करूँगी टोमेटो केचप। और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी और एक हमारा जूसी सा बीफ का और वेजिटेबल का मिक्सचर तैयार हो चुका है। यहाँ पर मैंने पैन में पानी ले लिया है। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल और कुछ सॉल्ट ऐड करूंगी और इसको बॉईल करेंगे हम पानी को। पानी काफ़ी अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ऑलमोस्ट 1 पैकेट पैनी पास्ता का। आप अपनी चॉइस का कोई भी पास्ता यूज़ कर सकते हैं। अब इसको कवर करते हैं 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम हीट पे। ये देखें जी, 5 से 6 मिनट के बाद पास्ता हमारा अच्छे से टेंडर हो चुका है, बन चुका है। अब इसको ड्रेन आउट करते हैं और इसमें थोड़ा टैप का जो नॉर्मल टेम्परेचर का पानी है वो डाल देते हैं। अब हम बनाते हैं वाइट सॉस। 4 टेबलस्पून बटर लिया है मैंने और इसको हम अब अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। 1 टीस्पून मैंने गार्लिक पेस्ट ली है, क्योंकि इस वक्त मेरे पास साबुत गार्लिक था नहीं, तो मैंने इसमें पेस्ट ही ऐड किया है। लेकिन आप जब बनाएं तो इसमें चॉप्ड गार्लिक ही ऐड कीजिएगा। गार्लिक की रॉनेस रिमूव होने तक हमने इसको फ्राई करना है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 4 टेबलस्पून मैदा और जस्ट फॉर अ मिनट मैं इसको फ्राई करूँगी। अब मैं इसमें 1.5 मग मिल्क ऐड करूंगी और ये 1.5 मग जो है 2 कप्स बनते हैं। अब हम इसको कंटिन्यूसली स्पून हिलाते हुए पकाएंगे सो दैट इसमें लम्प्स ना बने। और ये देखें, ये बड़े अच्छे से थिक हो चुकी है। अब इसमें जाएगा 1/2 कप चेडर चीज़, इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी बड़ी अच्छी होती जा रही है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप क्रीम, इसको भी मिक्स करके अच्छे से कंबाइन कर लेंगे। ये इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए, हमें इतनी ही रिक्वायर्ड है। अब मैं ऐड करूंगी 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून ड्राइड थाइम, कुछ मैं इसमें ऐड करूंगी चिली फ्लेक्स,
दो तीन चुटकी मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें बिल्कुल बारीक कटा हुआ थोड़ा सा पार्सले ऐड करूंगी, 2 टेबलस्पून के करीब। चलें जी, हमारी वाइट सॉस भी बिल्कुल रेडी है। कुछ ड्रॉप्स मैं तिल के तेल के ऐड कर रही हूँ, इससे पास्ता एक तो शाइनी सा हो जाएगा और बिल्कुल अलग अलग सा रहेगा, चिपकेगा नहीं आपस में। अब हम जो भी सर्विंग डिश या सर्विंग बोल यूज़ कर रहे हैं उसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे ऑयल के साथ। अब सबसे पहले हम इसमें एक अच्छी सी लेयर लगाएंगे पास्ता की। पिज़्ज़ा पास्ता है इसलिए पिज़्ज़ा सॉस ऐड कर रही हूँ मैं। वेजिटेबल और मिन्स मिक्सचर जो हमने बनाया था, अब हम इसकी एक अच्छी सी लेयर लगा देंगे। अब इसमें बनेगी वाइट सॉस की लेयर। अब फिर से हम सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे और इसी तरह से लेयरिंग करते जाएंगे। एक बार मैंने मोचरेला चीज़ ली है और हाफ बार जो ली है वो चेडर चीज़ की, मिक्स करके अब मैंने उनकी एक ही लेयर बना दी है। अब हम इस पर ऐड करेंगे टोमेटो स्लाइसेस। कुछ वेजिटेबल्स मैंने रिजर्व में रख ली थी वो ऐड करेंगे, ऑलिव ऐड करेंगे ब्लैक, और सीजनिंग हम कर देंगे ड्राइड ओरिगैनो, पेपरिका और चिली फ्लेक्स की। अब हम इस डिश को रखेंगे माइक्रोवेव में जब तक के हमारा चीज़ मेल्ट नहीं हो जाता। इसको मैक्सिमम लगेंगे 3 से 4 मिनट। ये देखें जी, चीज़ बहुत अच्छे से मेल्ट हो गया है और हमारा पिज़्ज़ा पास्ता ज़बरदस्ता बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम ज़रा इसको टेस्ट करके देखते हैं कि ये कैसा बना है। बहुत मज़े का, इट्स रियली रियली अमेजिंग। तो चलें जी, बस आपने वेट नहीं करना, फौरन जाएं किचन में। सारी चीज़ें मोस्टली अवेलेबल होती ही हैं हर घर में, तो जल्दी से इस रेसिपी को ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी, हमारा पिज़्ज़ा पास्ता आपको कैसा लगा। अच्छी लगे तो वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। मैं दोबारा आऊँगी एक इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्ती रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।